हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा कोड आपको दिखाना चाहता हूँ और उस कोड की मदद से एक तरह से स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करी गई है। और वो कोड क्या है जरा देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया है पाइथन में स्टूडेंट नाम से, और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन बनाया है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, इसके अंदर आर्गूमेंट दिया गया है। फिर स्टूडेंट आईडी एंटर करवाएंगे, फिर नेम एंटर करवाएंगे, एज एंटर करवाएंगे। फिर यहाँ पर उस दूसरा क्लास बनाया गया है जिसका नाम है स्कूल, ठीक है। और उसके अंदर फिर एक फंक्शन बनाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम दिया गया, और यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट दी गई है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को इनरोल करवाया जाएगा, तो इनरोल नाम का एक और फंक्शन बनाया है। फिर इस तरीके से देख सकते हैं ये लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर मैंने तैयार किया है, और इसको जब हम चलाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे तीन चॉइसेस आपको दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है इनरोल स्टूडेंट्स, दूसरा दिख रहा है लिस्ट स्टूडेंट्स, और तीसरा एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनरोल, इंटर योर चॉइस। तो अगर हम इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वन एंटर करते हैं, तो कह रहा है कि स्टूडेंट आईडी एंटर कीजिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट की आईडी है 12, ठीक है, और अब हम एंटर करते हैं तो स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम है आर्यम राम, और एंटर करते हैं तो अब उनकी एज की बात आएगी, 34 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। राम हैज बीन इनरोल्ड इन स्कूल, इस तरीके से आ जाता है। और आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे किया गया है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस बनाए गए हैं, तो इसको एक डिटेल वीडियो, वीडियो काफी लंबी होगी, तो ये तो केवल एक डेमो था कि इस तरीके से बनाएंगे आप। और आपको एक डिटेल वीडियो में बताता हूँ इसको कि ये किस तरीके से सारी प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथन में भी क्लास बनती है, ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा में ही क्लास बनता है, ठीक है ना। ओके।